सो गाइस फॉर द फर्स्ट टाइम मैं गोल्डन टेम्पल के ऊपर आया हूँ, ऊपर मुझे नहीं पता तो ऊपर आ सकते हैं। एंड यहाँ से भी बहुत ज़्यादा प्रिटी है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये देखो, ये पूरा नज़दीक से देखना, एक अलग ही सरियल एक्सपीरियंस है भाई। यू नो, हम जब होटल पहुँचे बहुत टायर्ड थे, लेकिन हॉट वाटर शावर लिया, उसके बाद एनर्जी आ गई। राइट नाउ इट्स 1:30 इन द नाइट। वेलकम बैक टू चैनल, आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, एंड वी आर गोइंग टू गोल्डन टेम्पल। और सबसे बड़ी बात, मेरी और शानिस की सेकंड वेडिंग एनिवर्सरी है कोर्ट वाली, तो हमने डिसाइड किया था कि हम इसको ना कोशिश करेंगे गोल्डन टेम्पल में स्पेंड करने का। एंड हियर वी आर हियर विद स्काई। लास्ट टाइम स्काई आई थी 4 महीने की थी, उसको मैं कार शीट पर लेके गया था, मेरी हालत खराब हो गई थी। अभी 13 महीने की हो जाएगी, वाह हो गई है, समझ लो आप। निकल गए गोल्डन टेम्पल के लिए, ऊबर से जा रहे हैं, गाड़ी से नहीं जा रहे। उस गाड़ी से जाएंगे तो हम लोग को पार्किंग करनी पड़ेगी, और कभी कभी पार्किंग बहुत मुश्किल से मिलती है। अगर रास्ता तो कितना अच्छा लग रहा है लेटर, गाय जो है ना वो सो गई है। ऑनेस्टली आई वाज एक्सपेक्टिंग यहाँ पर 0-1 डिग्री रहेगा, और जो लास्ट टाइम जैसा वो ठंडी में हम लोग चाय भी इतना वो पियेंगे, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट स्काई के लिए ये टेम्परेचर बेटर है। और ये स्काई को अपन ने पलटी मार दिया, कितने अच्छे से सोई है, और बार बार देखना पड़ता है कि शी इज ऑलरेडी। ये वाला टी स्टॉल जो हमने चाय पी थी, और ये वाला जो होटल है मैकडॉनल्ड्स भी लिखा है, इसका टैरिफ अभी जहाँ हम लोग ठहरे हैं हायर एजेंसी, उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। 8,000 रुपीज़ अ नाइट है, बिकॉज़ ऑब्वियसली ये पीक टाइम है, बहुत सारे लोग विंटर्स में आते हैं प्रॉब्ली, इसलिए। चाय कॉफ़ी पीने का मन तो नहीं था, लेकिन सिर्फ यहाँ पर यादें ताज़ा करने के लिए हमने चाय ली। मुझे कॉफ़ी पीने का मन था। सर जरा कवर करने के लिए हैप्पी बाय लेने गए। जब स्काई बहुत बड़ी हो जाएगी और ये वीडियो देखेगी, और प्रॉब्लम शायद मेरे साथ अकेले यहाँ पर आएगी, तो वीडियो देख के उसको कितना अच्छा लगेगा ना। मैं कभी भी सोचता हूँ ऐसा, देखेगी नहीं देखेगी वो अपने को नहीं मालूम, हम तो बस उम्मीद कर सकते हैं। और अभी मेरे पैर जो है नम होना शुरू हो गए। असली मज़ा तो जब जूते चप्पल निकलते हैं तभी आता है, लेकिन जो 0 डिग्री में चटके लगे थे ना भाई, उसका तो कोई मुकाम तो ऐसा, ऐसे पैर ऊपर कर करके भाग रहे थे। चलो भाई, इतको फोटो वीडियो चलते चलते नहीं ले सकते क्या? आज वियर्डली फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हम जो वीडियो बना रहे हैं या कोई भी वीडियो बना रहा है, तो यहाँ के लोग बोल रहे हैं वीडियो मत बनाओ, हो है वीडियो मत बनाओ, फोटो लो वीडियो मत बनाओ। फर्स्ट टाइम प्रॉब्ली, आई डोंट नो, कुछ इंस्ट्रक्शन आए रहेंगे क्या आए रहेंगे, पर हम लोग तो इस बार सॉरी गाइस, आपको ठीक से मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, अच्छे शॉट्स नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि जब उन्होंने बोला था शूट नहीं करना, आई थिंक इट इज़ ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस, तो इसके लिए ज़्यादा मैं शॉट्स नहीं ले रहा, बिकॉज बार बार आके लोग बोल रहे हैं, शायद ये खाली भी है ना, तो इसके लिए वरना भीड़ होती है तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो गाइस फॉर द फर्स्ट टाइम मैं गोल्डन टेम्पल के ऊपर आया हूँ, ऊपर मुझे नहीं पता तो ऊपर आ सकते हैं। एंड यहाँ से भी बहुत ज़्यादा प्रिटी है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये देखो, ये पूरा नज़दीक से देखना, एक अलग ही सरियल एक्सपीरियंस है भाई। है हो गए भाई, माथा टेक लिया, और मुझे पता नहीं कितना सही है, बट मैंने किसी से पूछा कि भाई क्या रीज़न है कि वीडियो अलर्ट नहीं बोलता, कि जब से लोग रील्स बनाने लगे, तो रील्स बनाने के चक्कर में हम थोड़ा बैन वैन किया, वो कितना सही है गलत है मुझे नहीं पता, जब तक यूट्यूब था तब तक सही था, बट रील्स आ गया तो लोग थोड़ा एक्टिंग करने लगे, तो बस वो दे डोंट वांट। जगह कितने पॉपुलर हो जाती है, आई डोंट थिंक दैट्स रॉन्ग, मुझे नहीं लगता वो गलत है, कोई रील भी बना रहा है तो, बट ठीक है। कितने लोग इंस्पायर होते हैं, हाँ इंस्पायर होते हैं, सही बोला। शानिश ने भी कितना अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बना। एग्जैक्टली स्काई को देखो, नाक ला लो गाइस, स्काई तो बहुत लकी है, 2 times गोल्डन टेंपल, 1 time रोम हो गया उसका, वैष्णो देवी भी गई। तो मुझे अभी हैप्पी है, शानिश ने बताया, मैंने ध्यान नहीं दिया। बेसिकली जो निखिल के पीछे उसने 360 डिग्री कैमरा ऐसा लगाया ना, तो अंदर जो सेवा करते हैं येलो पगड़ी वाले, लिटरली वो लोग आए दूर से देखा, अरे सुन दो like... दूर से आए, देखा कि क्या है पीछे, पूरा चक्कर मारा निखिल के पास कि ये है क्या, अच्छा सेफ है तो जाने। और जब मैं अंदर गया तो लिटरली एक ने मेरा हाथ पकड़ के घुमाया ऐसे, ये देखने के लिए क्या है,
बट मैंने बोला तो हंसने लग गए, मैंने बोला बेबी का कैरियर है तो हंसने लग गए। बोला आई अंडरस्टैंड भाई, वो दिखता कुछ गलत ही है, पीछे से कैसे बता क्या पीछे से दिख रहा है, देखो पीछे से कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई। तो अभी हमारी मम्मियों के लिए लिया जा रहा है ड्रेस, बिकॉज यहाँ पर उस अमृतसर में अच्छे ड्रेसेस मिलते हैं एंड टू आर लक यहीं पर मिल गया और सुबह के 4 बजे खुला मिल गया, तो बाद में आने की कोई टेंशन जरूरत नहीं है। मॉल में मिलता है बट यहाँ अच्छा मिलता है और थोड़ा रीजनेबल भी मिलता है। 2250 रुपये। देखो भाई नींद तो आ रही है लेकिन भाई पेट की पूजा करनी पड़ेगी, है ना, भूख नहीं है बट खा के सोएंगे, ब्रेकफास्ट स्किप करना है। लेकिन हैप्पी भाई ने होटल में ब्रेकफास्ट लिया था वो भी। और भाई ये खा रहे अपन छोले कुलचे, यहाँ पानी गिरा दिया, हट जाओ मैं दूर हट जाओ, और माँ का सुबह लात मार रही है मैं मोबाइल हिसाब गिरा रही है करके जा रहे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज द नेक्स्ट मॉर्निंग और ऐसा लग रहा है कि मुंबई से निकलने के बाद आज हम अच्छे से सोए हैं, मानोगे नहीं अभी बज रहे हैं 4, हम 4 बजे शाम के उठे, एक्चुअली 3 बजे उठे थे, स्काई ने उठा दिया था, थोड़ा रेडी हुए, शाइन्स रेडी हो रही है एंड देन वी आर गोइंग आउट। दिस इज अ ढाबा कॉल केसरदार ढाबा जो कि बहुत ही पुराना, और हम जब भी यहाँ पर आते हैं अमृतसर में वहाँ से खाते हैं। तो हैप्पी भाई ऑलरेडी चले गए बिकॉज 2 बार गुरुद्वारा जाते हैं, ऑलरेडी चले गए, हम भी रेडी होके वहाँ पर जाए और निकल गए कर रहे हैं फ्रॉम दिस टू दिस बिकॉज अभी बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाएगी तो ये फिट नहीं होगा, इसलिए जा रहे हैं। ठंडी में ऐसा ओपन रिक्शा लेने का एक ही प्रॉब्लम है कि हवा बहुत आती है, अपना तो टेंशन नहीं है बट स्काई को कवर करना पड़ेगा। प्रॉब्लम इसको शोर से है। हाँ बहुत हॉर्न वॉर्न लग रहा है, डर जाती है, टू लाउड, मतलब नॉर्मल ट्रैफिक का लाउड इज ओके बट जो कोई हॉर्न मारता है ना वो। तो हम लोग पहुंच गए हैं केसरदार ढाबा जो कि 150 साल पुराना है। अभी यहाँ खाना बहुत अच्छा और हमेशा हैप्पी लेके आता था, मगर यहाँ पर जो आना है वो बड़ा हेडेक है, बहुत पतली पतली गलियाँ हैं। तो मेरा सजेशन है कि अगर आपके पास बच्चा नहीं आप चल के तो चल के आओ। क्या भाई, तो हम 150 साल पुराने केसरदार ढाबा में आए हैं, यहाँ पर आना अगर अमृतसर आ रहे हो तो वर्थ इट है। हमेशा हैप्पी भाई हमारे लिए खाना लेकर आते थे बट इस बार हमने डिसाइड किया हम खुद आएंगे। एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर आने के लिए बहुत ट्रैफिक लगती है तो आपको इलेक्ट्रिक रिक्शा लेना पड़ेगा। चल के आ सकते हो तो चल के आओ, स्काई तो सो गई रिक्शे में, अभी हम बैठ के कुछ ऑर्डर करेंगे, स्काई थोड़ी देर में उठ भी जाएगी। तो स्काई की जो सैंडल है ये हमारे रिक्शा में गिर गई थी और अभी हम क्या करें सोच रहे थे, हमें से एक आदमी आया रिक्शा वाला खुद वापस देखे गया, इतनी ट्रैफिक में कौन वापस देने आता है, फिर भी देने आया अमृतसर, है ना। ये आ गई एक वेज थाली हमारी और मटर पनीर, क्रम्बल क्रम्बल, और ये हमने पूरा खा लिया, मजा आ गया। थोड़ा थोड़ा चीज छोड़ दिया है बिकॉज भाई कितना खाएगा एक आदमी, मतलब 2 आदमी और एक लड़की कितना खाएंगे, राइट। सब मजा आ गया टेस्ट में भाई साहब, मानोगी। हम लोग रात को ऐसे ही कुछ मसाला मिल्क पीने के लिए निकले और हम लोग गोल्डन टेम्पल पेड पार्किंग डाला, मैं सोचा कि वहाँ पर पहुँचूंगा 5 वर्ष तो मिलता है। एंड हम लोग को देखो गूगल मैप कहाँ से लेके जा रहा है, ये देखो ये गलियों में से लेके जा रहा है और यहाँ रुक के हमने देखा, यहाँ देखो ये पूरा अंदर ये दिख रहा है, मतलब समबडी वॉन्ट्स टू कम इन द नाइट फटक से गाड़ी खड़ी करो अंदर जाओ और वापस आ जाओ। एंड फाइनली आज के दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं अपनी चाय कॉफ़ी और मैगी से। मैगी खाएंगे नहीं खाएंगे मुझे कोई आइडिया नहीं है बट ठंडी आज ठंडी बहुत ज़्यादा है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस ब्लॉग टिल हियर, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबाना। हाँ गिफ्ट पैक कर दिया ये ना, बार बार मैं टोपी फेंक रही थी तो आज टोपी वाला जैकेट ही पहना दिया, अब निकाल के दिखा भाई। विद सर इज ऑलवेज शुक्रान अलविदा माशाल्लाह मा टेक केयर एंड डू व्हाट वी ऑल आई लव यू फ्रेंड्स आर इज ओके सपोर्ट टेक केयर बाय टाटा।